इस वीडियो में आज मैं बैटरी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करूंगा और ये देखेंगे कि उन इश्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करें, उनको कैसे हम ठीक करें और ताकि हम अपनी कार को यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन इशू है, अगर आप कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल ही कोई भी किसी भी तरह का साउंड नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज है। अब ये बैटरी डिस्चार्ज होती कैसे है? तो बैटरी डिस्चार्ज होने के कई सारे रीजंस हैं। जो सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न मुझे समझ आता है वो कार में कोई लाइट वगैरह ऑन रह जाना है। आपने सेकंड नंबर पे जो मुझे लगता है जो इशू आ सकता है, अगर आपकी बैटरी आप चार्ज कराते हैं, बहुत ज़्यादा कार खड़ी नहीं रहती, उसके बाद दोबारा डिस्चार्ज होती है, आपने सारा चेक करा, कोई लाइट्स कहीं ऑन नहीं रखी आपने, उसके बाद भी ड्रेन हो रही है, तो उसमें करंट लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। करंट लीकेज क्या होगा कि जब हम इग्निशन ऑफ करते हैं, सारे सर्किट्स क्लोज हो जाते हैं, बैटरी के सारे सर्किट्स बंद रहते हैं, लाइट्स वगैरह को छोड़ के सारे सर्किट्स बंद रहते हैं। आपने लाइट्स ऑलरेडी चेक करी, कोई लाइट खुली नहीं है, सारी लाइट्स ऑफ हैं, हॉर्न तो ऑटोमेटिकली बजेगा नहीं, तो इसके बाद भी जो छोटा मोटा करंट है, कार के इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आपकी कार के म्यूज़िक सिस्टम में लगी घड़ी है या अलग से कोई अगर घड़ी होगी वो लेती है, तो उससे बैटरी ओवरनाइट या ओवर वीक भी ड्रेन नहीं होगी, तो वो बहुत कम करंट लेते हैं। लेकिन अगर आपके ये सारी चीज़ें चेक्ड हैं, इनमें कोई इशू नहीं है, फिर भी बैटरी ड्रेन हो रही है, तो करंट लीकेज का इशू हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कहीं से करंट ड्रेन हो रहा है, तो वो कार की बॉडी के थ्रू हो सकता है या कोई वायरिंग में फॉल्ट की वजह से हो सकता है, या अगर आपने कार में कोई काम करवाया हो, मान लो हॉर्न चेंज कराया हो, लाइट्स वगैरह वगैरह चेंज कराई हो, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह इंस्टॉल कराया हो, ऐसा कुछ भी आपने काम कराया है जिस जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, और अगर टेक्नीशियन ने उस काम को सही से नहीं करा है, उसको मतलब एक तरह से बाईपास करने की कोशिश करी है, वायरिंग को कपलर टू कपलर वायरिंग नहीं करी है, तो उसमें करंट लीकेज के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं। ये मेरे साथ खुद हो चुका है, इससे काफ़ी परेशानी हुई थी मुझे, और इसको डिटेक्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि पूरा पूरा दिन लग जाता है एक टेक्नीशियन के लिए। आप खुद तो मतलब कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना टेक्निकल काम होता है, वो वायरिंग कहाँ से ख़राब है या कहाँ से करंट लीक होता है, वो सारा डायग्नोस करने में काफ़ी काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर करंट लीकेज का इश्यू है तो ये आपको काफ़ी परेशान करेगा, आप अच्छे मैकेनिक के पास इसको लेके जाएं और वो आपकी डायग्नोसिस करेगा और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थर्ड जो बड़ा फॉल्ट रहता है वो रहता है कार में ख़राब बैटरी का होना। अब अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई है किसी वजह से, या तो बैटरी 3-4 साल पुरानी है और धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है, लेड एसिड बैटरीज़ लाइफ टाइम नहीं चलती, इनकी लाइफ 3-4 मैक्सिमम 5 साल रहती है, तो अगर आपकी बैटरी ख़राब है उस वे में वो बार बार डिस्चार्ज होगी, या फिर बैटरी में कोई और प्रॉब्लम है, जैसे उसमें वाटर लेवल्स कम हैं या फिर उसमें ग्रेविटी का इशू है, तो इन सब रीज़न से बैटरी बार बार डिस्चार्ज होगी, और इसको भी आपको जाके बैटरी चेक कराना है। पहले तो बैटरी के ऊपर ही एक इंडिकेटर रहता है जिसमें ये पता चल जाता है कि बैटरी ओवरऑल बैटरी ठीक है या नहीं है, तो उसमें अलग अलग कलर की लाइट रहेगी, जैसे ग्रीन है तो बैटरी ठीक है, ऑरेंज है तो बैटरी में वाटर लेवल्स कम हैं, और रेड है तो मतलब बैटरी ख़राब है, तो आपको उसको रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। तो ये इंडिकेटर्स हमेशा एक्यूरेट नहीं होते, तो बेटर यही है कि आप इसको एक बैटरी वाले के पास लेके जाएं और वहाँ चेक कराएं, और अगर बैटरी ख़राब है तो आप अपनी कार में नई बैटरी डलवा दीजिए। तो बेसिकली ये मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से कार की बैटरी प्रॉब्लम दे सकती है, और इनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बता दिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।